अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और स्नेह प्रकट कर उनकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों का गुणगान किया गया है। आपको बता दें कि आज यानी सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस डॉक्टर मंगलसेन ऑडिटोरियम में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने महिलाओं को आह्वान किया कि वे मातृशक्ति हैं, इस ताकत को पहचान कर जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़े और अपने आप को और अधिक सशक्त करें। सरकार और प्रशासन इसके लिए कृत संकल्प है। आपको बता दें कि उपायुक्त सोमवार को शहर के डॉक्टर मंगलसेन ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले उन्होंने दीप शिखा प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं राज्य स्तरीय कार्यक्रम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया और प्रदेश की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपायुक्त ने कहा कि महिलाओं ने अपनी क्षमता के बल पर खेल, विज्ञान, सौंदर्य और राजनीतिक कुशलता में अपना परचम लहराया है। इस दिशा में हरियाणा काफी आगे है। यहाँ की महिलाओं ने अपनी उपलब्धियों से प्रदेश का नाम न केवल देश बल्कि पूरे विश्व में रोशन किया है। प्रदेश में महिलाओं के लिए जहां सरकार ने आगे बढ़ने के अनेक अवसर जुटाए हैं, वहां महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के भी प्रयत्न किए हैं ताकि महिलाओं को और ऊपर उठाया जा सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इन्हीं में से एक है। इस कार्यक्रम का आगाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से प्रारंभ किया था। इसी से अभिप्रेरित होकर पिछले कुछ वर्षों में जिलों में लिंगानुपात में काफी सुधार हुआ है। इस अवसर पर उपायुक्त ने कार्यक्रम में उपस्थित 13 महिलाओं को खेलों में उपलब्धि के लिए नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। इसमें कल्पना को फुटबॉल में और शीतल दलाल को तलवारबाजी के लिए 11,000 रुपए राज्य स्तरीय कैश अवार्ड दिए गए। इसके अतिरिक्त जिला की दो बाल संरक्षण संस्थाओं एमडीडी बाल भवन और श्रद्धानंद अनाथालय की 11 महिलाओं को पेंटिंग कला एवं दस्तकारी, नृत्य व गायन में अनुकरणीय उपलब्धि के लिए नगद पुरस्कार वितरित किए गए। इसमें एमडीडी बाल भवन की रीटा को दोहरे पुरस्कार में 11,100, मोनिका को भी 22,000 तथा काजल को 3200 रुपए के नगद पुरस्कार दिए गए, जबकि श्रद्धानंद अनाथालय की कोमल को भी दोहरे पुरस्कार में 5100 व 2100, हेमलता को 1100, अंजलि को 1100 और सुधा को 2100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विभाग विकास की कार्यक्रम अधिकारी राजबाला ने उपायुक्त व उपस्थित महिलाओं का स्वागत किया तथा लोक कलाकारों ने महिला सम्मान पर आधारित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। और इसके साथ साथ हमारे महिला बाल विकास विभाग और करनाल जिला उपायुक्त साहब का और इसके साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी राजबाला मैम का कि हमारे CCI के बच्चों को एक मंच मिला और इनको सम्मानित किया गया। जिले में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इसके बाद इन्होंने राज्य स्तर पर भी पार्टिसिपेट किया और ये आज राज्य स्तर पर इनको सम्मानित राशि दी गई है, इनका हौसला अफजाई किया गया है। इन्हीं बच्चों के साथ साथ हमारे समाज की सभी बेटी बहू और सभी छोटी बेटियों को एक हौसला मिलेगा ताकि मंच हासिल कर सके और इनको एक अचीवमेंट मिल सके। मैं महिला एवं बाल विकास विभाग का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि हर महिला को जागरूक किया और वो अपने आप में विकसित होकर एक मुख्य धारा के रूप में समाज में उभरी। और इसके साथ साथ हमारे जिला प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इतना कीमती समय दिया और हर महिला की एक मुख्य धारा को समाज में विकास का रूप दिया गया। और आगे भी हम उम्मीद करना चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहे समय समय पर और हमारी सभी बेटियों को, बहनों को एक मंच मिला और इनका सम्मान बढ़ा। इसके साथ साथ मैं सभी वासियों को ये करना चाहूँगी, प्रार्थना करना चाहूँगी कि अपनी बहू बेटियों को, अपने घर में जो भी लड़कियाँ किशोरियाँ हैं उनको आगे लेकर आएँ, उनका विकास करें ताकि महिला दिवस पर ऐसे मंच पर उनको सम्मानित किया जा सके और वो भी अपने एक रूप और एक मिसाल के रूप में समाज में खड़ी हो सके। इसके साथ साथ सभी को महिला दिवस पर शुभकामनाएँ दूँगी। महिला बाल विकास विभाग की दोबारा से पुनः तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, खासकर हमारे उपायुक्त साहब का और DPO मैम का। इसमें बहुत योगदान रहा कि हमारे करनाल की बेटियों को सम्मान दिया गया, चाहे वो खेल का रहा, चाहे वो किसी कला से संबंधित रहा, उनकी कला को उभारा और विकास का रूप दिया गया। सर, क्या कहेंगे आज महिला दिवस का आयोजन किया गया? आज महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पे जिला स्तरीय कार्यक्रम हमने मंगलसेन ऑडिटोरियम में रखा था, उसमें हमारे ज़िले के लगभग 1000 महिलाएं जुड़ी। और राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो चंडीगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास से रखा गया था,
उससे इसका डायरेक्ट प्रसारण किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन भी जो है इसमें किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारी जो स्कीम्स हैं वो लॉन्च की हैं महिलाओं के कल्याण के लिए। कुछ जो प्रोमिनेंट वेमेन थी उनको हमने यहाँ पे सम्मानित भी किया है और उनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो बाकी महिलाओं को बताई गई है। कितनी महिलाएं जिनको सम्मानित किया है? 11 महिलाओं और बच्चियों को हमने यहाँ सम्मानित किया है। इसके अलावा लगभग 1000 महिलाओं की उपस्थिति यहाँ पे है और मैं सभी करनाल के वासियों को आज महिला दिवस के अवसर पर बधाई दूंगा और उम्मीद करूंगा कि जो सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम का लक्ष्य है वो हम तन मन धन से उसको पूरा करें। महिलाओं के लिए कोई संदेश आज के लिए? महिलाओं के लिए यही संदेश रहेगा कि वो आज के समाज में आज के युग में वो हर चीज़ में बराबरी की हकदार हैं। सरकार ने उनके कल्याण के लिए बहुत सारी स्कीम्स का लॉन्च किया है। निश्चित रूप से जो उनकी क्षमता है जो उनका पोटेंशियल है वो उसको हासिल कर सकती हैं, इसलिए सरकार की कल्याणकारी जो स्कीम्स हैं उनका लाभ उठाएं और अपने आप को किसी भी क्षेत्र में कम ना समझें। कुछ कार्यों का भी हम शुभारंभ किया जैसे क्रैच वगैरह? कुछ आंगनवाड़ी और कैचेस का स्टेट लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा जो अनाथ बच्चे हैं उनके कल्याण के लिए एक हरी हरी योजना का भी लॉन्च किया है जिसकी विस्तार से डिटेल हम DPRO के माध्यम से मीडिया में पहुंचवाएंगे। सबसे पहले तो सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हैं। हमारी करनाल पुलिस महिला सुरक्षा के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि जो भी महिला विरुद्ध अपराध हमारे पास में रिपोर्ट होता है उस पर तुरंत FIR दर्ज हो और उसके बाद में उसकी सही ढंग से प्रभावी जाँच सुनिश्चित की जाए और प्रभावी अभियोजन भी सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए हमने चाहे हमारे 1091 हेल्पलाइन हो, चाहे हमारा 100 नंबर हो या हमारे महिला पुलिस स्टेशन है, वो सभी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। और हमें ये भी खुशी है कि जितने भी महिला विरुद्ध अपराध हमारे पास में रिपोर्ट हो रहे हैं हम उनका सही ढंग से जांच करके आरोपी जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनकी समय पर गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनका चालान समय पर दे रहे हैं। बाकी सोशल मीडिया के मार्फत भी या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत भी यदि महिला विरुद्ध अपराध की हमें कहीं भी शिकायत प्राप्त होती है तो हम उसका उचित संज्ञान लेकर के सही कार्रवाई करना सुनिश्चित कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।